ओके सर, कंटिन्यू करता करता हूँ मैं सर, ठीक है, फिर देखते हैं बाद में जो भी होगा। हूँ। ओके सर, है ना। तो यस सर कंटिन्यू सर। डियर जो भी लोग हैं क्लास में, वेलकम अगेन आप सभी को, ठीक है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में उन्हें पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज, है ना, तो किसी आपने कहा था कि बंद होता है, ठीक है। स्पेलिंग इज दैट, क्या बताइए, वो तो उसमें तो एस होता है आपका, है ना, और क्या बताओ यस सर, आप उसमें एस आता आपका, इसमें तो ये इसमें आप देख सकते हैं इसमें जेड आ रहा हुआ है। यस सर, मुझे लगा था एस ई है इसीलिए अरे कोई बंद। नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। अच्छा सर इसका मतलब एक तरह का टेस्ट होता है किसी भी लैंग्वेज में, जिसमें मिसिंग वर्ड को ढूंढना होता है। हाँ, ये बात सही है तुम्हारा, ठीक है। देखिए ऐसे लॉट्स ऑफ वर्ड्स अवेलेबल है जिनका क्या होता है, दो मीनिंग्स होता है ना। मतलब प्रोनंसिएशन कह सकते हैं दो होता है, प्रोनंसिएशन तो हम लोग दो टाइप से करते हैं, बट मीनिंग्स क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स है आपके, ठीक है। जैसे अगर आपने यहाँ पे देखे, यहाँ पे सन और सन होता है आपका, ठीक है। तो सन और सन के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। सन एक होता है क्या, और एक सन क्या होता है, ठीक है, पढ़ा होगा अच्छे से आपने। एक होता है बेटा और एक क्या होता यस है, सर, सूरज, है ना। बहुत सूरज। सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ लिखते जाए ना तो बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा बियर और बियर, ठीक है। तो इन्हें हम लोग वैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं, ठीक। होमोफोन्स, आई थिंक होमोफोन्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। होमोफोन्स आर द वर्ड्स व्हिच हैव द सेम प्रोनंसिएशन बट मीनिंग्स आर डिफरेंट, है ना। सन सन डियर डियर भी होता है ना। एक डियर डी डबल ई आर और एक में डी ई ए आर होता है आपका ना, एक प्यारा वाला और एक जो जंगल में रहता है आपका एनिमल, है ना, हिरन। तो यार ऐसे वर्ड्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं आपके जरूर, ठीक है। देखो इसमें भी कंफ्यूजन हो गया था, क्लोज और क्लोज में, ठीक है। देखो इस क्लोज का मतलब होता है ब्लैंक होता है, द मीन्स ऑफ दिस क्लोज इज ब्लैंक, ब्लैंक खाली, ये बोलोगे आप। तो यहाँ पर कोई ब्लैंक का टेस्ट नहीं होने वाला, ये एक एक्सरसाइज है आपका, ठीक है, जो दो टाइप से एग्जाम में आता है आपके, ठीक है, आता जरूर है, ठीक है। इधर 20 उन 5 मार्क्स, अंदर 10 मार्क्स, दो तरह से होता है, ठीक है। तो इधर आपका 10 मार्क्स आ सकता है या आ सकता है क्या, 5 मार्क्स का, ठीक है। दो टाइप्स में आपका डिवाइड होता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक आने के चांसेस है, ठीक है। तो मतलब जितने मार्क्स उतने गैप्स, ये आपने पहले भी किया होगा। जैसे पहले हम लोग नहीं करते थे फिल द ब्लैंक्स, सेम लाइक फिल द ब्लैंक्स की तरह, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स में क्या होता था, एक सेंटेंस आपका दिया होता है, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट अ सेंटेंस, कोई सेंटेंस नहीं होता, दैट इज अ पैसेज, एक कंप्लीट पैसेज दे देगा, ठीक है। तो मतलब जितने मार्क्स उतने गैप्स, जैसे मान लीजिए 5 मार्क्स का होगा तो पैसेज में 5 गैप्स कर देगा, और 10 मार्क्स का होगा तो पैसेज में क्या करेगा, 10 गैप्स कर देगा, ठीक है। तो यू कैन चेक कि ज्यादा मार्क्स हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक्सरसाइज को 10 या 5 मार्क्स मिले, तो इसका मतलब वेटेज वहां पे ज्यादा है। तो डियर ऐसे ऐसे मतलब जो भी तुम्हारा क्लोटेस्ट है ना, कॉम्प्रिहेंशन का जो भी पोर्शन है, उसको छोड़ के मत आना कभी, क्योंकि वहां पे मार्क्स का वेटेज ज्यादा होता है। और कई बच्चे ने देखा कि वो अनसीन पैसेज करना छोड़ाते हैं, रीअरेंजमेंट करना छोड़ाते हैं, क्लोटेस्ट करना छोड़ाते हैं, ठीक है। नहीं, डोंट डू दैट, ऐसा मत करिए, ठीक है, क्योंकि डियर आप इनसे स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक है। स्कोरिंग एरिया यही होते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि बाकी सब पोर्शन में तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है। जैसे वोकैबुलरी की बात कर लें आप, है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, इन सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट हो जाता है, ठीक है, कि हाँ ये आंसर होना चाहिए कि वो होना चाहिए ना। एंड लॉट्स ऑफ अवेलेबल बहुत सारे होते भी हैं, है ना, सारे याद नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो स्पॉटिंग एरर हो गया आपका, उसमें पता नहीं चल पाता किस पोर्शन में एरर है, ठीक है। तो वो पोर्शन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में कर डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये कॉम्प्रिहेंशन के जो सेक्शन के क्वेश्चन है, जैसे अनसीन पैसेज हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, क्लोटेज हो गया, ठीक है, ये आपको काफी मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है, और श्योरिटी भी रहती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जितने मार्क्स उतने गैप्स होगा, ठीक है। सो यू आर गिवन अ पैसेज, ठीक है, एक पैसेज आपको दे जाता है, ठीक है। तो एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर, जैसे मान लो सपोज दैट इज अ पैसेज, ओके, लाइक अ डेमो, और ये 5 मार्क्स का, तो इसमें क्या करता हूँ मैं 5 गैप्स कर देता हूँ ऐसे ना, 1 2 करके ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 गैप्स ऐसे कर देगा, ठीक है, मतलब जो भी गैप होगा उस पर मार्किंग कर देगा, मार्किंग डाल देता है कि नंबर डाल देता है, ठीक है आपका। तो जो भी गैप होगा उससे 1 2 3 ऐसे करके मार्किंग कर देगा। कहने का मीन्स है कि जो भी जहां पे नंबर होगा, दैट इज अ गैप, और वहां पे आपको फिलअप करना होता है, ठीक है, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये पहला गैप भरने जा रहे हैं आप, ठीक है। तो डियर आपके सामने क्या होंगे, फर्स्ट गैप को भरने के लिए आपके पास क्या होंगे, 4 वर्ड्स होंगे, ओके। सो यू आर अलॉटेड 4 वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब उस
पार्ट को भरने के लिए आपके पास क्या होंगे, फोर वर्ड्स होंगे, ठीक है। अब देखो वी नो वेरी वेल, ठीक है, कि अगर कोई भी गैप हमें वी हैव टू फिल अप है ना, कोई भी गैप जब हम लोग को भरना होता है, ठीक है, और वो उसके लिए फोर ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है, तो हम लोग चारों थोड़ी भर देंगे कि चारों भर दो, नहीं, जो सबसे सुटेबल होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज है ना, या सेंटेंस, तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे या जो भी सेंस में सबसे बेस्ट आंसर होता है वो एक चार में से क्या करना होता है, फोर में से आपको चूज करके फिलअप करना होता है, ठीक है। तो पहला कर लिया ना आप, सेकंड में जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जितने भी गैप्स सभी के लिए फोर ऑप्शन, और उन फोर में से आपको वन जो भी सुटेबल होगा वो चूज करके आपको भरना होगा गैप में, दैट इज द क्लोटेस्ट, ओके। अब देखो अगर आपको ये एक्सरसाइज सीखना, मतलब अच्छे से लाना, मान लीजिए कि देखो जैसे मैंने बताया कि दो टाइप से होता है, 10 मार्क्स का भी होता है, 5 मार्क्स का भी होता है, ठीक है। तो बच्चों के मार्क्स आते हैं 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, ऐसे मार्क्स आते हैं, जैसे 10 मार्क्स का हो गया तो बहुत मुश्किल से 5 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो देखो ऐसा मत करो, ज्यादा मार्क्स लाओ इसमें, ठीक है। देखो इसके लिए ये कैसे आप ज्यादा हायर मार्क्स गेन कर सकते हैं इस क्लोटेस्ट में, ठीक है। देखो फर्स्टली मतलब बता रहा हूँ कि आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, मस्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 3 चीज नहीं है तो डियर आप गड़बड़ हो जाएंगे, आपका सही से क्लोटेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं 3 चीजें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वन इज योर ओके, सो वन इज अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। देखो फर्स्ट तो ये वॉट एवर द लैंग्वेज ना, किसी भी लैंग्वेज की बात कर ले आप, ठीक है। इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज पुअर ना, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, सो यू कांट गेट ना सक्सेस ना, आपको मतलब सक्सेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो डियर सबसे पहली चीज है कि यू हैव टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग स्किल। देखो अंडरस्टैंडिंग स्किल का मतलब है कि आप पैसेज को कितनी जल्दी पढ़ के समझ रहे हैं, ठीक है, है ना, मतलब कितनी जल्दी समझ पा रहे हैं चीजों को, ठीक है। और यही करना होता है, ठीक है। देखो राइटली हम लोग आंसर क्यों नहीं गेन कर पाते, क्योंकि पैसेज कुछ और ही बता रहा होता है और हम लोग समझने कुछ और लगते हैं, ठीक है। तो डियर थोड़ा सा आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग पावर है या फिर अंडरस्टैंडिंग स्किल है, जो रीडिंग स्किल्स है, इनको थोड़ा सा आप इम्प्रूव करिए, ठीक है। अगर ये अंटिल अगर इम्प्रूव नहीं है रीडिंग स्किल या फिर अंडरस्टैंडिंग स्किल आपकी सही नहीं ना, तो गड़बड़ हो जाएगा भी, ठीक है। रीडिंग स्किल का मतलब ये थोड़ी कि आप फराटे नाल बढ़िया से पढ़ते चले जा रहे हैं जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। द रीडिंग स्किल का मीन होता है कि रीड विद अंडरस्टैंड, मतलब पढ़ के समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए। नंबर सेकंड में आपको बता रहा हूँ कि आपके पास पावर होना चाहिए थोड़ा सा वोकैब्स का, वोकैबुलरी आपका, जो भी मैंने बताया आपको, ठीक है। क्योंकि डियर जो भी आपको फोर वर्ड्स देगा, ठीक है, सो वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ दैट ना, मतलब उनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। इफ यू आर अनेबल टू फाइंड द मीनिंग, अगर मीनिंग नहीं आ रहा तो आप कोई भी भर दोगे, आप ये भर दोगे वो भर दोगे, तो थोड़ा सा वोकैब का भी इसमें थोड़ा सा इशू होता है, ठीक है। कई बच्चों को मतलब क्लियरिटी नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या होता है कई बार, क्या होता है जैसे कि एक गैप होता है ना, तो हम लोग को दो दो वर्ड्स लग जाते हैं कि इसमें हाँ ये भी फिटअप हो सकता है और ये भी फिटअप हो सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको वोकैब के रियल यूज में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग क्या होता है सेम होता है, ठीक है, लेकिन यूज क्या होता है डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि एक वर्ड आपका वाइज है ना, तो ये वोकैब में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। एक तुम्हारा वॉइस होता है, ठीक है, और एक तुम्हारा होता है क्या, नॉइस, पता होगा, इन दोनों का मतलब आवाज ही होता है, ठीक है, है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे आपने सुना होगा लिसन हियर, लिसन क्या होता है, हियर क्या होता है, पता है, सेम मीनिंग होता है सुनना, ठीक है, है ना। तो ऐसे वर्ड्स में डिफ्रेंशिएशन आना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इनका हम लोग यूज सही तरह से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे वॉइस आना चाहिए, कहाँ पे नॉइस होना चाहिए, हियर का मतलब क्या है, और लिसन का मतलब सेम होता है सुनना, लेकिन कैसे क्या यूज करोगे आप, ठीक है। तो वो क्या आपका पावर थोड़ा सा होना चाहिए। और नंबर थर्ड इज योर ग्रामर, ग्रामर भी आना चाहिए तुम्हें, ठीक है, क्योंकि ग्रामर ही तुम्हें सिखाएगा कि कैसे पैसेज किस सेंस में जा रहा है आपका, ठीक है। तो डियर अगर आपके पास ये 3 चीज अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल या रीडिंग स्किल बढ़िया है, अप टू द मार्क है, आपका वो क्या पावर बढ़िया है और ग्रामर भी आपकी अच्छी है, ठीक है, सो आप क्लोटेस्ट में इजिली अगर 10 मार्क्स का होगा तो 9 मार्क्स तक आराम से आ जाएंगे आपके। तो देखो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा ना, तो
इंग्लिश का कोई भी एग्जाम, व्हाट एवर कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट जी एंड द मैट एंड द कैट एंड द रेलवे बैंकिंग एसएससी जोनर है ना, कोई भी एग्जाम की बात करो, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, एट द फिफ्थ नाइन्थ टेंथ ट्वेल्थ व्हाट एवर द एग्जाम है ना, अगर आपकी तीनों चीज सही है, मतलब इंग्लिश में अगर आपकी रीडिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल या वो क्या है ग्रामर आपकी सही है ना, तो इंग्लिश का यार कोई भी एग्जाम आपको टफ नहीं लगेगा, एग्जाम सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, इजी हो जाएंगे, ठीक है। मैंने ये देखा थोड़ा सा, मैं काफी समय से पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरा तो मैंने बच्चों में ये चीज फाइंड आउट किया कि सबका ये चीज परफेक्शन में नहीं होता, किसी का अगर वोकैब सही तो वहां पे वो ग्रामर में वीक हो गया है, अंडरस्टैंडिंग रिंग्स के लिए अच्छी है तो फिर वोकैब में कमजोर हो गया, ठीक है, तो डियर इनको थोड़ा सा इंप्रूव करो और इंग्लिश में बहुत से बेटर आपके एग्जाम में मतलब मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि अगर ये तीनों चीजें आपके पास तो आप कोई भी एग्जाम आप इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। तो आते हैं जरा क्लोर टेस्ट के पास आते हैं, ठीक, थोड़ा सा देखते हैं कैसे क्या इसमें करना होता है, ठीक है। सो मैंने कहा कि दैट इज अ पैसेज, पैसेज होता है, ठीक है, और पैसेज को कंप्लीट करना होता है, ठीक है, कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ऐसे नहीं कि आपके सामने आया और अपना आपने करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा मत करना, ठीक है, थोड़ा सा प्लानिंग करिए, थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगाइए ना कि जल्दी से और अच्छे से कैसे और मार्क्स ले आऊं मैं ना, गलत ना हो मेरा, ठीक है। तो कुछ चीज में बताता हूँ आपको, ठीक है, उनको फॉलो करना प्रॉफिट होगा उनको, ठीक है, फॉलो करने से। और बैक टू बैक कई सारे क्लोर टेस्ट लगाए, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि स्पोर्टिंग ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए, आपकी एग्जाम डेट जो भी है बहुत ही नियर आ गई है, तो किसी भी समय डिक्लेरेशन हो सकता है आपकी एग्जाम डेट का, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, है ना। ठंड तो है लेकिन विंटर में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो कैसे करेंगे देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सामने क्या आ गया कि क्लोर टेस्ट आ गया, ठीक है, और आपको कहता है कि भाई इसको कंप्लीट करिए, ठीक है, ऑप्शन भी बगल में दिए हुए हैं, ठीक है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो देखो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको फुल पैसेज है ना, फुल पैसेज क्या करना है, विद गैप रीड करना है, ये चीज वॉच करना, ठीक है। तो पहला पॉइंट बहुत ईजी यहाँ पर मैंने बताया कि क्या करना, आपको फुल पैसेज विद गैप के साथ कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। देखो भरना नहीं स्टार्टिंग में कि आप देखा मैंने वो शुरू कर दिया भरना नहीं, थोड़ा सा मैंने बताया कि प्लानिंग करोगे, ठीक है। तो क्या करना, पूरा का पूरा पैसेज, फुल पैसेज, जो भी जैसा भी दिया गैप है ना, उसके साथ पूरा का पूरा पैसेज पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, ठीक है। देखो जब एक दो बार पढ़ेंगे आप, है ना, तो उससे क्या होगा कि आपको उस पैसेज का थीम पता चल जाएगा, ठीक है। थीम यू नो वेरी व्हाट अबाउट अ थीम, ना थीम क्या होता है, ठीक है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो थीम मींस दैट इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पैसेज। देखो थीम का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिस पर पैसेज बेस है। अब देखो यू नो ना वेरी वेल कि व्हाट एवर टॉक अबाउट व्हाट एवर द पैसेज है ना, किसी भी पैसेज की बात कर ले आप, ठीक है, किसी ना किसी पैसेज को एक थीम बनाकर लिखा जाता है, ऐसे नहीं कि आपने कहीं से भी उठाया और उस पैसेज बना दिया ना, थीम को बेस बनाकर ही हम लोग लिखते हैं ना, उसका थीम क्या होगा, इंट्रोडक्शन भी डालते हैं, उसका क्या होता है, डिमेरिट्स क्या है, उसकी मेरिट्स क्या है, उसका इन्फॉर्मेशन क्या है, या फिर क्या उसका सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो डियर कोई भी पैसेज, किसी भी तरह के पैसेज होता है, उसमें थीम जरूर होता है, ठीक है। तो जब विद गैप के साथ आप पूरा पैसेज पढ़ोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको थीम पता चल जाएगा, और वही पता करना जरूरी है ना। अब कुछ और नहीं करना, ठीक है, हम लोग क्या करना कि उसी थीम को, तो जो भी पैसेज की थीम ना, तो उसी थीम को क्या करना, हम लोगों को क्या करना है, बेस बनाना है, उसी थीम को बेस बनाना है, और उसी की मतलब उसी बेस अकॉर्डिंग सारे आंसर देना, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है, कि पैसेज का जो भी थीम होगा उसी को बेस बनाइएगा, और उसी को बेस बनाकर सारे आंसर देना, ठीक है। अब देखो ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, ठीक है, देखो जरा क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को थीम नहीं पता चल पाता कि इसमें थीम क्या है, वो कुछ और ही आंसर दे देते हैं। तो सबसे पहले थीम पता करो कि यहाँ इसका ये थीम चल रहा है, सार्केस्टिक है, ह्यूमरस है आपका ना, सीरियस है, सोसाइटी पे कोई बात कर रहा है, व्हाट एवर कोई भी थीम है, कोई भी थीम हो सकता है आपका, ठीक है। तो उस थीम को बेस बनाकर हमेशा आंसर देना, ठीक है। मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा वो डिस्गाइज हो जाते हैं ना, मतलब भटक जाते हैं, ठीक है, कुछ और कह रहा हो तो लिख सेट कर कुछ और आंसर दे रहे होते हैं। पैसेज एक गुड पॉइंट पे जा रहा हो तो वहां पे कुछ बैड वर्ड्स भराते हैं, पैसेज बैड पॉइंट पे जा रहा हो तो वहाँ पे गुड पॉइंट भराते हैं, ठीक है। तो डियर थोड़ा सा ये आप थीम को जानो क्या होगा, ठीक है, और उसी को बेस बनाकर हमेशा आंसर देना, ठीक है। मैंने तो ये जाना हुआ है, ठीक है, मेरी अभी भी हैबिट है कि मैं व्हाट एवर कोई भी चीज होता है ना, पहले पैसेज को चेस पढ़ लेता हूँ, ठीक है, एक बार
उसके बाद थीम पता चल जाता है, ठीक है, उसके बाद अच्छे से मैं भर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ बच्चों थोड़ा सा वो स्टेबल होते, थोड़ा सा जिद्दी होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो वो, जैसे मान लो ये पहला गैप भरने जा रहे हैं आप, ठीक है, आपको नहीं आ पा रहा, ठीक है, आप कंफ्यूज है कि यार ये फोर वर्ड से कौन सा वर्ड इसमें पहले गैप में फिलअप होगा, ठीक है, नहीं आ पा रहा, तो कुछ बच्चे जिद्दी होते कि मैं भर के ही जाऊंगा आगे। अरे ऐसा मत करना, ठीक है। देखो अगर अगर आपको कोई भी गैप नहीं आ रहा, मतलब कंफ्यूजन लग रहा कि यहाँ पे ये वर्ड आएगा ये वर्ड आएगा, तो उस गैप पे स्टिक मत होइए, मतलब उस गैप पे चिपक मत जाना कि वहां पर ही हम लोग चिपके रह गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको आपको क्या करना है कि वो गैप को अवॉइड करना, छोड़ना है, हमें आगे के गैप्स क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप पहला नहीं होगा भरे होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, आप उसको अवॉइड करो, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है कि किसी भी क्वेश्चन में क्या करना, स्टिकअप नहीं होना है, चिपकना नहीं है, अगर आपको कन्फ्यूजन दे रहा तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपको पहला नहीं आया ना, तो आप आगे करिए, कई बार पता क्या होता है आगे के पैसेज, मतलब आगे का गैप फिलअप करने से क्या होता है, ऊपर वाले का भी आंसर क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी थोड़ा सा लगाइए, ठीक है, कि नहीं आ रहा तो जिद नहीं करना कि मतलब सॉल्व करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, आपको जो मतलब नहीं आ रहा तो उसको अवॉइड करके आगे बढ़िए, है ना। कई सारे आंसर क्या होता है पैसेज में ऐड होते हैं क्लोटेस्ट के, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं, ओके। वन थिंग मोर वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज मैं आपको और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, लिसन दैट, और कई बच्चे इसमें लो फॉल कराते हैं, मतलब गड़बड़ कराते हैं, ठीक है, धोखे बता रहा हूँ मैं, ठीक है, चेताओ। तो मान लो कि यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है, जैसे मान लो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गैप है ना, यहाँ पे मान लो फिलअप करना आपको, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, आपके माइंड माइंड के साथ खेलता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये आपको गैप भरना है, ठीक है, यू हैव टू फिलअप द गैप, है ना, तो वो फोर ऑप्शन बताए कौन सा देगा, एक ऑप्शन में तुमको नाउन दे देगा, एक ऑप्शन में नाउन देगा तुम्हें, एक ऑप्शन में तुमको दे देगा कोई भी एडजेक्टिव वर्ड, ओके, तो एक ऑप्शन में तुम्हें नाउन प्रोवाइड कर देगा, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, एक मिनट देना मुझे। तो एक ऑप्शन में क्या होगा, एक वर्ड आपका नाउन होगा, एक वर्ड तुम्हारा होगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो सकता है, एक ऑप्शन में होगा तुम्हारा वर्ब, और एक ऑप्शन में क्या कर देगा तुम्हारा, भर देगा क्या एडवर्ब। तो डियर वो एग्जामिनर इस तरह से प्ले करता है आपके साथ, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि ये गैप आपको भरना होता है, ठीक है, तो ऑप्शन भी ऐसे कर देता है, जैसे मान लो कि नाउन, एक वर्ड आपका नाउन होगा उसी में भरने वाला, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब और वर्ब होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा कर देता है, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए उस गैप में कौन सा वर्ड फिलअप होना चाहिए, मतलब द वर्ड, यू हैव टू नो द वर्ड टू वर्ड टाइप टू फिल इन, मतलब उस गैप में नाउन फिलअप होगा या वर्ब फिलअप होगा या एडवर्ब फिलअप होगा या एडजेक्टिव फिलअप होगा, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने बच्चों में ये कंफ्यूजन लिखा कि वहां पे नाउन फिलअप होता है तो एडवर्ब या एडजेक्टिव भराते हैं, कुछ और भराते हैं, कहने का मतलब ये है, ओके। और वन थिंग मोर, दैट इज अ प्रैक्टिस, है ना, एक चीज और, ये बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, ये कोई नया रूल नहीं है ना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। नंबर 4 या 5 कह सकते हैं, दैट इज एलिमिनेशन ऑप्शन, ठीक है। देखो ये चीज तुम लोग छोटे से करते आ रहे हैं, ठीक है, ये जनरेट हो जाता है हम लोग अंदर की, कोई ऐसा कहीं पढ़ावड़ा नहीं होता, ठीक है। देखो डियर, हमें देखो जब भी 4 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, तो कई बार हम लोग लगता है कि यार ये नहीं होगा यहाँ पर, मतलब इस गैप में ये ला फिलअप नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, छोटे से हमको पता है, ठीक है। तो कई बार यार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई भी गैप फिलअप करते हैं हम लोग, ठीक है, है ना, तो हम लोग लगता है कि ये नहीं फिलअप होगा यहाँ पे, वन तो कतई ही नहीं आएगा वहां पे, ऐसा कुछ मतलब वो बताता कि कुछ और ही सेंस जा रहा हो वहां पे होता है, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन जो भी होता है वो चीज बहुत ही अच्छा मेथड है ना, हम लोग छोटे से लगाते आ रहे हैं, ठीक है, हमें लग जाता है कि हाँ ये वर्ड फिलअप नहीं होगा, तो जो वर्ड नहीं लग रहा कि हाँ पैसे से कॉन्टेस्ट पे फिलअप नहीं हो रहा है, उनको काटो आप ना, अवॉइड करो आप, और राइट आंसर क्या होता है खुद ही मिल जाता है, ठीक है। ये चीज तो हम लोग छोटे से लगाते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल और रीडिंग स्किल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी होना चाहिए अच्छे से,
एंड द ग्रामर को भी नॉलेज होना चाहिए जरूरी है आपको, ठीक है? तो कई बार क्या होता है, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ना, इस तरह से भी फिलअप कराता है, ठीक है? मतलब फिलअप करने के लिए होता है, ठीक है? तो राइटली मतलब पैसेज चल रहा होता है, पास्ट में बच्चे फिलअप कराते हैं, प्रेजेंट की बात है, ठीक है? तो आओ देखते हैं कि यहाँ पे एक क्लोटेस्ट सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है? हम लोग क्या आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखो ये ज्यादा नहीं, एक दो मैं कराता हूँ आपको सॉल्व, ठीक है? सो आप क्या करिए, आप अपने हाथ में अपना नोटबुक और पेंसिल ले लीजिए, या पेन जो भी आपके पास हो, ठीक है? तो एक छोटा सा मैं क्लोटेस्ट कराने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास मैंने बताया सभी बच्चे यहाँ पे जो काफी लोग हैं, तो आप लोग डियर जो भी है, आदिल, आराध्या, आदित्य, भवनीत, कीर्ति, कृति, मिस्टर, प्रीति और रेहान अली, रेणु, सैजल, श्री नारायण, चलो बढ़िया। तो डियर अपने हैंड में अपना नोटबुक ले लीजिए आप, है ना, और पेन या पेंसिल वॉट एवर जो भी अपने पास रखे हैं, ठीक है? आप क्या करोगे, अपने नोटबुक में 1 से लेकर 10 तक ऐसे नंबर डाल दीजिए आप, ठीक है? तो तुम्हें तुम्हारी नोटबुक है ना, इसमें क्या करो आप, 1, 2 मतलब ऐसे करके 10 तक नंबर कर लीजिए आप, मार्किंग कर लीजिए, मार्किंग डाल लीजिए आप, ठीक है? 10 तक कर लीजिए ना, मैं 10 मार्क्स का तुम्हें क्लोटेस्ट कराने जा रहा हूँ, ठीक है? 10 मार्क्स का होगा, ठीक है? 10 गैप्स होगा इसमें, तो अपने नोटबुक पे 1 से लेकर 10 तक मार्किंग कर लीजिए आप, ठीक है? अब देखो अभी मैं आपको क्लोटेस्ट दिखाऊंगा कैसे कौन से करना, ठीक है? आप क्या करोगे, जो भी आपको आंसर लग रहा है आप अपने नोटबुक पे लिखोगे, आप राइट करना, नंबर मत डालना, ठीक है? आंसर राइट करना डियर, आप आंसर राइट करना आप, ठीक है? तो अपना आंसर राइट करना आप, ठीक है? तो फर्स्ट का आंसर क्या लग रहा है आपको राइट करना, सेकंड का आंसर क्या आपको लग रहा है आपको राइट करना, ठीक है? तो आंसर अपना राइट करना, ठीक है? ऑप्शन मत डालना कि फर्स्ट का बी होगा, सेकंड होगा, सेकंड का सी होगा, ऐसे ही मत करना, ठीक है? तो डियर आप आंसर राइट कर देना, ठीक है? और यू नो वेरी वेल कि आपके पास चैट बॉक्स भी है और उसका जम के यूज करते हैं ना हम लोग चैट बॉक्स का भी, ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि जो भी आंसर्स होंगे आप अपने चैट बॉक्स पे सेंड करोगे, आप जल्दी से करना, ठीक है? जस्ट ओनली यू हैव गिवन, आई हैव गिवन जस्ट ओनली 5 मिनट्स, मैंने आपको बस 5 मिनट्स दिए हुए, ठीक है? अभी पहली बार 5 मिनट्स स्टार्ट होंगे आपके, ठीक है? अभी से नहीं। तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में सारे आंसर एक साथ सेंड करने हैं, ये नहीं कि पहला सेंड किया, दूसरा सेंड किया, थर्ड सेंड किया, ऐसा डोंट डू दैट ना डियर, डोंट डू दैट ना, ये मत करना। आप क्या करना, एक साथ सारे क्वेश्चन के आंसर भेजना, ठीक है? सारे आंसर मुझे एक साथ भेजना, ठीक है? एक ही मैसेज में, है ना, बड़ा सा मैसेज हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक ही मैसेज में सारे आंसर भेजना, ठीक है? सो हियर वी गो। सो एक पैसेज में लेता हूँ डियर आपके लिए, और तो फिर करते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये सो यू कैन सी, सो दैट इज द पैसेज, है ना? तो पैसेज को आप एक बार ऐसे पढ़ लीजिए आप, है ना? देखो दैट इज योर अर्ली पीरियड ना, आपका थोड़ा सा अर्ली पीरियड है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है समझने में, है ना? लेकिन इफ यू बैक टू बैक बहुत सारे क्लोटेस्ट लगाएंगे ना, सो इजिली आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? सो डियर दैट इज क्लोटेस्ट, ये क्लोटेस्ट है आपका, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जैसे यहाँ पे B1, सो B1 मीन्स ब्लैंक वन, B1 ब्लैंक वन। अब देखो B1 को फिलअप करने के लिए बगल में मैंने आपको B1 करके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, देख रहे हैं? तो B1 यानी ब्लैंक वन को फिलअप करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ईच, ऑल, नो और एवरी। तो B1 में क्या करोगे, इन 4 में से ही वर्ड फिलअप करोगे आप, यानी कहीं और नीचे से ले लिया आपने, यहाँ से 6 उठा लिया या ऐड को उठा दिया, ऐसा मत करना। तो जो भी B1 यानी ब्लैंक वन है सबके लिए 4 वर्ड्स अलॉट किए गए हैं, ठीक है? मीन्स हर एक जो भी गैप है सबके लिए 4 वर्ड्स है, और उन्हीं में से 4 में से आप चूज करना उस सुटेबल गैप के लिए, ठीक है? तो कहीं और से कोई वर्ड नहीं आएगा कि आप भरने जा रहे सेकंड गैप, तो उसमें 5 से आपने वर्ड फिलअप कर दिया, तो जो भी गैप होगा उसी में से वर्ड आप चूज करोगे, ठीक है? तो डियर ये आपका गैप है, ये सारे एक लोटेस्ट है आपका, वो बगल में यहाँ पर ऑप्शन दिए मैंने, ठीक है? और मैंने कहा था कि मैं आपको जस्ट 5 मिनट दूंगा, ठीक है, और ज्यादा नहीं। तो कौन जल्दी से आंसर अपना 5 मिनट के अंदर, 6:45 लास्ट टाइम है आपका, ठीक है? तो 6:45 आपका लास्ट टाइम है डियर, इसके बाद टाइम तुम्हारा ओवर हो जाएगा, मैं आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है? बिकॉज दैट इज अ क्लास ऑफ कंपटीशन ना, यस, टाइम स्टार्ट्स।
इफ एनी डाउट तो यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, या किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा हो आपको, ठीक है? सो यू कैन आस्क दैट, है ना? सो डू दैट. जस्ट ओनली 3 मिनट्स रिमेनिंग, डू फास्ट गाइज. Sir, what is the meaning of skirmish? Skirmish means dispute. Dispute नहीं होता, झगड़ा छोटा मोटा सा ना, that is called skirmish. Yes sir. Okay. Yes guys, जल्दी से करिए, ठीक है? Because time is just finish ना, मतलब finish ही होने वाला है, ठीक है? तो about to finish मतलब जल्दी से खत्म होने वाला है, एकदम रह गया है. So मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कि एक answer आया हुआ है अभी, और ये आंसर गिवन बाय रेहान अली. ओके, तो रेहान ने आंसर दिया पहला. डियर, ऐसी उम्मीद है आप लोगों से भी जल्दी से सॉल्व करेंगे आप क्विकली. यस, कम ऑन गाइस, जल्दी से क्विकली. Yes, come on dear. बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं हम लोगों को, ठीक है? कंपटीशन में जितनी जल्दी करेंगे आप उतना ही आगे और क्वेश्चन कर लेंगे आप. तो यही तो होता है कंपटीशन का, मतलब क्या होता है, आप जितनी जल्दी आप ना क्वेश्चन करेंगे आप उतना जल्दी आगे की और भी क्वेश्चंस लगाने को मौका मिल जाएगा आपको. Yes guys, quickly. Given time has finished. दिया गया समय जो भी था फिनिश हो गया है, और आंसर भी दो बच्चों ने दिया, रेहान अली ने और कृति सिंह ने. इस कम ऑन गाइस, क्या कर रहे हैं और आप लोग भी?
यस क्विकली गाइस, बस मैं आपको फाइनल 1 मिनट दे रहा हूं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको सारे आंसर बता दूंगा। ये नंबर डाल दिए तुमने यार, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि नंबर में डालना, ये श्री नारायण आपने नंबर डाल दिए। ये ऊपर जैसे बच्चे ने ना भेजा है ना, ऐसे करते हैं आप यार। चलो कोई बात नहीं, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, ठीक है? सो बहुत टाइम हो गया ढेर आपका, क्योंकि मुझे आंसर बताना है मुझे कि आप लोगों ने क्या किया है। किसी में डाउट है तो मुझे बता देना, ठीक है, कि ऐसा क्या हो रहा है या क्या हो गया है इसमें। तो ओनली अभी यहाँ पे बस 4 बच्चे आंसर दे पाए। चलिए कोई बात नहीं डियर, चलिए। अच्छा तो आप, मैंने कहा था कि पैसेज का थीम पता होना जरूरी है, तो मुझे बताओ डियर, ये पैसेज का थीम, ये मतलब किस थीम पे बेस है ये बताओ, क्या थीम है? हाउ ओल्ड पीपल लीव देयर लाइफ, their difficulties. ये हाउ शुड, सर? हाउ शुड, नो सर, हाँ, दिस थीम टेल अस दैट हाउ ओल्ड पीपल यूज टू लीव देयर लाइफ इन ओल्ड एज। हाँ देखो, सिंपली दैट इज अ पैसेज बेस्ड ऑन द ओल्ड एज ना, सिंपली बात है ना, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है, कैसे उनको रहना चाहिए ना। तो ये देखो बिल्कुल सही कहा कि द थीम ऑफ द पैसेज ओल्ड एज, तो सब कुछ इसमें ओल्ड एज के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, ओल्ड एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उनको ऐसे करना होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज द थीम, थीम ऑफ द पैसेज दैट इज द ओल्ड एज। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ सारे, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि आप इस थीम को ही बेस बनाकर सारे आंसर देना आप, अगर आपने कोई और बेस बनाया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पे आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो अगर आपको डाउट लग गया कि ऐसा ये कैसे हो गया, इसमें ऐसे ऐसा ये आंसर कैसे आ गया, सो आई एम रेडी फॉर दैट, ओके, यस लेट्स स्टार्ट। तो इसमें देखो स्टार्टिंग की बात कर ले, ठीक है, तो मैंने कहा था कि आगे पीछे से देखते रहना, ठीक है, कैसे क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो आप देखते गैप 1 के बाद एज आ रहा है, एंड दैट इज अ सिंगुलर, एज इज अ सिंगुलर वर्ड, ठीक है। देखो वी नो वेरी वेल कि इफ यू यूज ऑल, ऑल टेक्स प्लूरल, हमें पता है कि ऑल के साथ हम लोग प्लूरल यूज करते हैं, इसका मतलब आंसर ऑल नहीं होगा। अगर वहां पे एजेस होता तो हो सकता था ऑल होता, क्योंकि ऑल की बात तो प्लूरल आता है, ऑल द बॉयज ऑल द गर्ल्स, और लोग की तो बात ही नहीं हो रही उसमें, उसमें किसी ने किसी एज के बारे में बताया, जरा बुढ़ापे के बारे में बता रहा हूं उसमें, ओल्ड एज के बारे में बता रहा, तो नो भी नहीं होगा, ये तो आंसर रॉन्ग हो गया आपके। अब देखो इधर ईच या एवरी में से क्या आंसर होगा, इसका आंसर डियर ईच होगा, फर्स्ट का आंसर ईच होगा। अब ईच क्यों हो रहा ये भी सुन लीजिए आप, जरा मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो देखो एवरी का मतलब सारे होते हैं, सारे सारे मतलब गैदरिंग में सारे एक साथ हो गए, और ईच मीन्स होता है इंडिविजुअल, हर एक एक करके बंदा, ईच मीन्स हर एक, और एवरी मीन्स सारे। अगर आप देखें थोड़ा सा सेंस देखें पैसेज का, तो सेंस ये आ रहा, सेंटेंस का सेंस ये आ रहा कि हर एक उम्र में क्या होता है, सुख और दुख होता है, ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो भी गैप है, सारे नहीं, हर एक इंडिविजुअल, हर एक एज की बात कर रहा है, मतलब बुढ़ापे में अलग कुछ होता है, बचपन में कुछ अलग होता है, एडल्ट जवान हो जाते हैं तो उस कंडीशन में अलग होता है, तो इंडिविजुअल हर एक एज को शो करने की बात कर रहा, ठीक है, ना कि सारी एज को बता रहा, ठीक है, हर एक एज। तो उस कंडीशन में तुम्हारा ईच वर्ड आपका बेस्ट होगा, एवरी गलत होगा, एवरी नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, एवरी रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर, बस आंसर इज ईच। आगे देखते हैं क्या होगा।
तो इसमें कहा किसने कि हर एक एज में क्या होते हैं, सुख दुख होते हैं, और ये बता रहा कि बुढ़ापा ही जो भी ओल्ड एज है, बुढ़ापे को सबसे बेकार एज माना गया है, बुढ़ापे को सबसे घटिया एज माना गया है, ठीक है ना। हमें पता है कि सबसे वर्स्ट एज कौन सी है, बुढ़ापा है। इसी में तो सारी प्रॉब्लम्स निकल के आती है ना, हम लोग अच्छे से चल नहीं पाते हैं, हम लोग ये भी, हम लोग तो ये नहीं है, है ना, वाट एवर जो भी बूढ़े लोग हैं, है ना, अच्छे से ना चल पाए ना खा पाए ना, एक्टिव नहीं रह पाते उस तरह से ना, तो दैट इज अ वेरी वर्स्ट एज। अब अगर और ऑप्शन देखे, बेस्ट तो होगा नहीं, बेस्ट तो हमारा चाइल्डहुड ना, बचपन सबसे बेस्ट एज माना जाता है, ठीक है, तो बेस्ट तो होगा नहीं। ड्रेडफुल का मतलब भयानक होता है, भयानक कैसे हो जाएगा कि अब जो बूढ़ा हो जाओगे तो भयानक हो जाएंगे, डेंजर हो जाएंगे, ड्रेडफुल भी नहीं होगा, और इम्पॉसिबल तो नहीं है, है ना, बुढ़ापा आना है, तो बेस्ट आंसर इज वर्स्ट। तो बुढ़ापे को बहुत ही घटिया एज माना गया, ठीक है। आगे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर रहा, लेकिन लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी मतलब नेसेसरी, इस थर्ड में तुमको नेसेसरी फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप बूढ़े होकर दुखी हो जाएं, जरूरी की बात कर रहा है यहाँ पे, ध्यान देना थोड़ा सा। अगर आप और ऑप्शन देखें यहाँ पर, नीडफुल तो आवश्यक होता है, प्रॉपर तो उचित होता है, ऐसा उचित नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, अच्छा नहीं उस सेंस में, नेसेसरी बेस्ट। तो थर्ड में नेसेसरी होगा तुम्हारा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बूढ़े होकर दुखी हो जाए। बुढ़ापे से आता है विजडम, विजडम होगा फोर में, तुमको यहाँ पे विजडम फिलअप करना होगा, विजडम, विजडम का मतलब होता है योर एक्सपर्टाइज, आपका माइंड, आप कितने क्लेवर हो गए चीजों में, दैट इज कॉल्ड क्या, विजडम। तो जितने आप बड़े होते जाओगे आपका विजडम नहीं, दिमाग बढ़ता है, नॉलेज नहीं, नॉलेज लेने का एक क्राइटेरिया होता है कि इस समय तक देखो आप स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर नॉलेज ले रहे हैं, अब बुढ़ापे तक थोड़ी पढ़ते रहोगे साइंस मैथ हिस्ट्री, लेकिन जितने आप बड़े होते जाओगे ना तो आपका माइंड क्या होता है, ग्रो होता जाता है, आपका माइंड नहीं एक्सपर्टाइज जो कहते हैं हम लोग, है ना, एबिलिटी जो भी होती है ना, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो भी तो अपने बच्चों को राइट एडवाइस देते हैं ना, तो उनके पास विजडम, उनका दिमाग बढ़ जाता है, एक्सपर्टाइज हो जाता है उनका। और आगे बता रहा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो कौन सा, हाँ फाइव नंबर, हाँ, तो आगे बता रहा कि बूढ़े लोग ये देखकर भी खुश हो सकते हैं कि जो भी उनके बच्चे हैं, है ना, बच्चे वो क्या कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उनके बच्चे बूढ़े लोगों के, नहीं चिल्ड्रेन, तो उनके बच्चे यहाँ पे चिल्ड्रेन तुम्हारा बेस्ट आंसर होगा। नो सर, नो सर, एक मिनट देख लो जरा, मैं आप छोड़ दिए, एक मिनट, हाँ बासी का, आपने बासी का, एक मिनट, वो मिस आउट हो गया है गैप, बासी का, एक मिनट में थोड़ा सुधारता हूँ, ठीक है, वही मैं देख रहा था, मैं बताते समय उसमें कंफ्यूज हो गया, चलो कोई नहीं, है ना, अभी देखते हैं। तो ये फोन नंबर में कह रहा कि बुढ़ापे से क्या था, विजडम आता है, दिमाग बढ़ता है, और उसी विजडम से हम लोग क्या करते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं। तो फाइव नंबर में तुम्हारा बेस्ट आंसर एडवाइस हो जाएगा, और कोई ऑप्शन वहां पर सुटेबल नहीं बैठेगा। अगर आप और ऑप्शन देखें यहाँ पर, तो रिचेस तो अमीरी, अमीरी कहाँ देगा, है ना, मनी, मनी तो बिल्कुल नहीं निकलते, बूढ़े में पैसे नहीं देते कभी, प्रॉपर्टी कहाँ से ले लोगे आप, एडवाइस, बेस्ट आंसर एडवाइस, है ना। और जो बूढ़े लोग होते हैं वो ये भी देख के खुश हो सकते हैं कि जो भी उनके ग्रैंड सन होते, नाती पोते, वो क्या कर रहे हैं, उनके सामने ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसमें सिक्स में तुम्हारा ग्रोइंग आंसर आ जाएगा, और बाकी सारे आंसर जो भी है, सिक्स में चिल्ड्रन, सिक्स में चिल्ड्रन होगा सर, सेवन में ग्रोइंग, सी वो ऑप्शन में थोड़ी सी दिख रहा हूं मैं, एक मिनट, हां ये सही है ना, सिक्स में, मुझे लगा कि मैंने बता दिया है सर, वो अभी मैंने बिगाड़ दिया था ना उसको, चलो कोई नहीं, हाँ जाहिर सी बात है ना, वो मतलब खुश हो सकते हैं, तो अपने बच्चों को देखते हुए, ठीक है, कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें चिल्ड्रन हो जाएगा सिक्स नंबर में, और वो लोग ये भी खुश हो सकते हैं देख करके उन्होंने, या सॉरी उनके जो क्या है ग्रैंड सन है ना, वो क्या कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं उनके आमने सामने, ठीक है, मतलब बड़े हो रहे हैं वो, इस कंडीशन में ग्रोइंग यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देयर की बात की जा रही है ना, कुछ अगर आप देखें तो कुछ गैप्स के पहले यहाँ पे सिक्स से पहले भी देयर की बात करा, प्लूरल की बात ही हो रही है, ठीक है, तो इसमें एट नंबर में देयर होगा बेस्ट तुम्हारा, इफ देयर लाइफ, अगर उनका जीवन, अगर उनका जीवन किसी के काम आ जाए। अब देखो यहाँ पर आपको नाइन में बैटल फिलअप करना होगा, ठीक है, बैटल तुम्हारा बेस्ट वर्ड होगा, ऐसा क्यों हो रहा मैं बता रहा हूँ, ठीक, देखो जरा अटैक, देखो जिंदगी का हमला कुछ नहीं होता कि जिंदगी कोई अटैक, तो आंसर होगा नहीं तुम्हारा, वार बताएं क्या होता है, वार दो कंट्री के बीच होता है,
इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, ठीक है, तो वॉर उस कंडीशन में आता है आपका, ठीक है, वॉर नहीं, अब बताओ जिंदगी को युद्ध है क्या, बताओ नहीं, स्क्रिमिश मैंने बताया था छोटा मोटा सा स्मॉल डिस्प्यूट ना, छोटा छोटा मोटा झगड़ा होता नहीं है, कई बार आते नहीं लोग कि हमारे बच्चे को क्यों मार दे, तुम्हारे बच्चे नहीं मार दे मेरे बच्चे को, ठीक है, तो ये छोटे छोटे से जो भी डिस्प्यूट होते हैं उन्हें हम लोग स्क्रिमिश बोलते हैं, बैटल, बैटल का मतलब लड़ाई होता है, लेकिन दैट इज अ लॉन्ग 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 फाइट, मतलब जो लड़ाई लंबी चलती है उसे हम लोग बैटल बोलते हैं, और जिंदगी एक लंबी लड़ाई है, संघर्ष के सेंस में, स्ट्रगल के सेंस में आप बैटल को लेंगे तो वो इस तरह से मतलब खुश हो सकते हैं कि उन्होंने जिंदगी का संघर्ष नहीं बैटल सफलता पूर्वक पार कर लिया सक्सेसफुली। सर 8 का लाइफ कैसे होगा? 8 इसका 8 सर 8 सर 8 में देयर होगा, देयर होगा, देयर होगा सर, B8 देयर होना चाहिए, बात लग गया है, मैं वहां पर वो देख रहा था ना, उसके बगल में लिखा हुआ ऑप्शन लाइफ को, तो जल्दी बताने के चक्कर में वहां पर लाइफ लिख गया, ठीक है, वहां पर देर होगा, ठीक है, बताओ किसी और ऑप्शन में डाउट है आपको पूछ लो मुझसे अभी, ये राइटिंग मिस्टेक हो गया कुछ और नहीं, हाँ बताओ किसी और ऑप्शन में डाउट है पूछ लो मुझसे अच्छे से बताइए, अभी देखते हैं किसके राइट ज्यादा मार्क्स हुए हैं, ठीक है, 8 तक तो राइट होना चाहिए आपके, तो अगर पहला आंसर से देखूं मैं रेहान से, रेहान तुम्हारे 8 नहीं सही है, तुम्हारे बेटा राइट है, काफी मतलब रॉन्ग हो गए, तुम्हारे 6 या 5 राइट है, उसके बाद यहाँ पे कृति, कृति तुम्हारे 8 राइट है, वेरी गुड बेटा आपने सही किया, 8 नहीं 7 राइट है आपके, चलो कोई नहीं, यस सर, और कृति दोबारा से 2 है यहाँ पे, कृति ये तुम्हारे 7 राइट है, कृति चलो कोई नहीं, कोई नहीं, और प्रीति यहाँ प्रीति के राइट है, आप ही काफी गलत हो गए बेटा, 3-4 ही राइट है बस, नहीं आप गलत सेंस में लगे वहां पे पैसे को, चलो कोई बात नहीं, मनोज सर, यस सर, हाँ सर बताइए, मैं कंटिन्यू रखूँ आगे कि ड्रॉप करूँ क्लास, बताइए, अभी तो 15 मिनट है शायद क्योंकि 7:15 क्लास शुरू हुई थी ना, चलिए मैं 15 बढ़ा देता हूँ आगे, ठीक है ना, बिल्कुल जैसा आप बताएं, जी जी श्योर से बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, अच्छा डियर एक और मैं आपको दे रहा हूँ, छोटा सा देने जा रहा हूँ क्लोटेस्ट, ठीक है, और जल्दी से करके दिखाना है इसको, बिल्कुल स्मॉल सा, ठीक है, सो इस राइट नाउ आपको ओनली 5 गैप्स फिल अप करने, ठीक है, 5 गैप्स यहाँ पर, तो ये जो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 जो भी पढ़ा है दैट इज अ गैप, तो जल्दी से यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए, 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक, उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ लेंगे हम लोग, ये जल्दी से कर दीजिए 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है सर, पेवमेंट का मीनिंग क्या होता है, किसका मीनिंग, वाटर ऑन पेवमेंट, पेमेंट मीन्स डियर रास्ता होता है ना, पेमेंट जहां से गुजरते हैं हम लोग ना, आने जाने का रास्ता तुम्हारा पेमेंट कहलाता है, ओके सर थैंक यू, मतलब हाँ रास्ते पे खड़े थे ऑफिस के बाहर पानी मांग रहे थे, जल्दी डियर करना, ठीक है, जो बच्चे लास्ट टाइम में नहीं कर पाए थे वो अपना जल्दी से कर देना, ठीक है इस बार, और किसी भी वर्ड का मीन नहीं आ रहा मीन पूछ लेना मुझसे,
चलिए गाइस, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्यू एजिलम सर 3 का ए एजिलम अजाइलम है ना, अजाइलम मींस लाइक अ मेंटल हॉस्पिटल, पागलखाना। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्यूज, सॉरी आई नो रिफ्यूज मींस सम पीपल हु केम फ्रॉम अदर कंट्री, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आई थिंक यू हैव हर्ड द न्यूज इन अफगानिस्तान, है ना, तो बहुत लोग क्या उस कंट्री से बाहर आके किसी और कंट्री में जा रहे थे, तो दोज आर रिफ्यूजी, रिफ्यूजी पर्सन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब लाइक किसी अदर कंट्री से आना फॉर अ शेल्टर रहने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्या रिफ्यूज। ओके, ये आस्क सम मोर वर्ड्स, वर्ड्स नहीं आ रहे क्लियर नहीं हो रहा, प्लीज आस्क कर लीजिएगा, ठीक है, तुरंत ही। Yes guys, अभी देख रहा हूं मैं किसी का आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी डियर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइट, SIGHT? साइट मींस निगाह, नजर, रोशनी कह सकते हैं आप, ठीक है, ये मतलब होता है साइट का। एक आंसर आ गया देख रहा हूं मैं, श्री नारायण का आंसर आ गया, आराध्या का आंसर आ गया, ठीक है, जल्दी से डियर। और आदिल आंसर दीजिए, क्या कर रहे हैं लाल पीला, पढ़ाई में मन लगाइए डियर। इस एजल आप वन बाय वन करके आंसर भेज रहे हैं बेटा, ये जो अदर बच्चे देखे जरा ना, अदर बच्चे जैसे भेज रहे ना वैसे करिए आप भी। चलो टाइम इज ओवर ना, मैंने कहा था 5 मिनट्स बस दे रहा हूं मैं आपको, टाइम बस फिनिश होने वाला है, होने वाला क्या हो गया, ठीक है, मैं जल्दी से उनके आंसर बताता हूँ, ठीक क्या होगा, और देन उसके बाद आफ्टर ना और आगे जो पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी और आंसर्स मत भेजिए आप, ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाइए अभी। तो लेट्स टॉक अबाउट, है ना, इसमें क्या इसका कैसे आप फिलअप करोगे मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे एक बूढ़े कपल पे पैसेज आ गया फिर से अगेन, लेकिन दैट टाइम वहां पे बूढ़े लोग थे, यहाँ पे कपल की बात कर रहा, ठीक है। तो सिंपल अभी स्टार्टिंग में बताया मैंने कि एक जो पुड़ा कपल था, ठीक है, वो ऑफिस के बाहर मतलब खड़ा होकर रास्ते पे पानी मांग रहा था, और फर्स्ट आंसर का दे अपीयर्ड आंसर, दे अपीयर्ड टू बी पिटफुली पुअर, मतलब बहुत ही ज्यादा गरीब दिख रहे थे, नजर आ रहे थे। देखिए जब भी कुछ दिखना या नजर आना होता है उस कंडीशन में हम लोग वर्ड यूज करते हैं अपीयर, तो ये वो बहुत ही मतलब गरीब नजर आ रहे थे, अपीयर्ड। लैग तो पसंद करना हो जाएगा, विश भी नहीं, वांटेड भी नहीं, और अपेरेंटली तो साफ तौर से होता ना, कोई वर्ब लेगा वहां पर,
एप्रेट इज सुटेबल वर्ड फॉर दैट. आगे देखते हैं यहाँ पर ना, इसमें आगे बता रहा क्या कि उन्होंने मतलब ऑफिस वालों ने पूछा कि भाई क्या कैसे यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने बताया कि हम लोग पास के गांव से आए हुए हैं. पास के मतलब नियर बाय, नियर बाय है ना, पास का जो भी समीप होता है उस कंडीशन में हम लोग नियर बाय वर्ड सुटेबली है ना फिलअप करते हैं वहां पर. ठीक है, डिस्टेंटली तो दूर का होता है, दूर का नहीं, पास के गाँव से, पास गाँव के बात कर रहा है. ठीक है, नियरिंग नहीं, नियरिंग विलेज नहीं होता, नियर बाय विलेज होता है. क्लोज तो करीब हो गया, करीब नहीं पास, करीब जिसे मान लो अगर आपके मैं बगल में खड़ा हूं तो उस कंडीशन में होगा कि आई एम क्लोज टू यू, है ना. तो क्लोज वर्ड भी नहीं, रेजिडेंशियल तो निवासी होता है, गांव का निवासी नहीं. बस सिंपली पूछते नहीं कहाँ से आया भैया, तो कहते नहीं हम लोग की पास ही गाँव से आया. ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे नियर बाय बेस्ट आंसर. और उन्होंने ये बताया कि मतलब एक आदमी आया था, उन्होंने उसने प्रॉमिस किया था उस आदमी ने कि मैं आपका मतलब आंखों का ऑपरेशन करा दूंगा, उनको कैटरॉप मिली, मोतियाबिंद नहीं होता है, मोतियाबिंद हो गया था. ठीक है, और वो पता नहीं कहाँ छोड़ के चला गया है जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका ट्रीटमेंट कराऊंगा. तो ये जो भी ऑफिस के लोग थे ना वो थोड़ा सा हिमली, उनको दया आ गई उनके ऊपर देखकर. ओके, और उनको मतलब रहने के लिए एक रात का मतलब कहीं व्यवस्था कर दी, मैनेजमेंट कर दिया रहने के, शेल्टर. यहाँ पे थर्ड में शेल्टर बेस्ट आंसर होगा तुम्हारा. शेल्टर का मतलब होता है रहने की जगह. ओके, एजाइलम तो पागल खाना होता, बताया था मैंने, एजाइलम होगा नहीं. और रिफ्यूज तो किसी अदर कंट्री से आप कहीं अदर कंट्री में जाओगे रहने, है ना, दैट इज लाइक उस कंडीशन में रिफ्यूज होता है. और लाइवलीहुड तो कुछ खाना पीना हो गया आपकी जीविका, लिविंग भी नहीं होगा. तो उन्होंने भैया क्या किया, उनको रहने की व्यवस्था कराई और अगले दिन एक फेमस डॉक्टर के पास लेके गए जिसने बहुत सारे पेशेंट का फ्री में इलाज किया था, बहुत सारे मतलब मैनी. फोर का ऑप्शन तुम्हारा मैनी होगा. ठीक है, देखो लॉट अगर फिलअप करोगे ना, लॉट के साथ ऑफ भी आता है, लॉट ऑफ, है ना. तो अलॉट, लॉट ऐसा अकेले वर्ड नहीं आता, अलॉट ऑफ गर्ल, अलॉट ऑफ बॉय, है ना. क्वाइट तो काफी होता है ना. काउंटेबल के साथ मैनी होगा, मस्त तो अनकाउंटेबल के साथ आता है. ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसे मतलब डॉक्टर के पास मतलब उनको मतलब ट्रीटमेंट कराया है ना, जिसने बहुत सारे मतलब रोगियों को फ्री में उनको ट्रीटमेंट किया था. और एक दो दिन वहां पर रहे हॉस्पिटल में, और उन्होंने मतलब एक नई रोशनी लेकर, रोशनी मतलब साइट, ए नंबर आंसर साइट, इनसाइट तो अंतर आत्मा होती है, अंदर की आत्मा, सेंस नहीं हो, सेंस कहाँ हो जाएगा, सेंस तो भाव होता है, साइट तो जगह होता है जहां पे काम करते हैं हम लोग. हैप्पी भी नहीं है, आंसर होगा इसका साइट. तो ये आंसर है, और देखते जरा यहाँ पर इस बार. तो पहला आंसर दिया था श्री नारायण ने. श्री नारायण तुम्हारा चौथा गलत हो गया डियर. चलो कोई नहीं आराध्या, तुम्हारे सारे सही बेटा, वेरी गुड. सैजल, सैजल ये आपने अलग तरह से आंसर दिए. कृति, कृति तुम्हारे दो रॉन्ग हो गए बेटा, चलो कोई बात नहीं. उसके बाद प्रीति, प्रीति के आंसर्स हैं सारे सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया आपने. वो भवनीत आपके आंसर बेटा, यहाँ पर दो रॉन्ग हो गए, क्लोज तुमने लगा दिया, वो सेंस लगा दिया, वो दो गलत हो गए, चलो कोई बात नहीं. और लास्ट में यहाँ पर ये सैजल भेज रही थी लड़की, लेकिन पूरे भेज नहीं पाई. चलो आते हैं आगे. ठीक है, अब देखो अभी मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे. ठीक है, देखो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो क्या पढ़ाऊंगा. ठीक है, दो चैप्टर्स में आपकी फिनिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, वन इज अ रीअरेंजमेंट. तो पहला चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, उसको फिनिश करेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, वोकैबुलरी मतलब वोकैब, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में आपको कुछ पढ़ाऊंगा थोड़ा सा. तो पहला टॉपिक तुम्हारा योगा रीअरेंजमेंट. होमवर्क चाहिए आपको. होमवर्क ऑलरेडी है, होमवर्क सर इनके ना ऐप में. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या बहुत सारा होमवर्क आपके पास, खुद ही बुक्स लिखी सारी ना, उसको सॉल्व करिए.
मैं इसके बाद बताता हूँ कहाँ से इनको होमवर्क मिलेगा। बिल्कुल सर जी। तो डियर मैं कल आपको दो चैप्टर तुम्हारे फिनिश करूंगा, वन इज रीअरेंजमेंट एंड द सेकंड इज वोकैबुलरी, ठीक है? और डोंट मिस द चैप्टर, ना चैप्टर मिस मत करना कल का, क्योंकि वोकैबुलरी जो भी ना मैं आपको एक ट्रिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है? Okay. और उस ट्रिक में बस उसमें क्या करना, बस आपको वन टाइम कोई भी वर्ड रीड करना होगा तुम्हें, ठीक है? तुम्हें बस क्या करना, वन टाइम वोकैब को या वर्ड को रीड करना होगा, रीड मींस पढ़ना होगा। ओ आई एम डैम श्योर यार कि वो आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा, जिंदगी भर लाइफ टाइम तुम्हारा याद हो जाएगा, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे आप। तो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेनिफिशियल होगा। तो एक फंडे से मैं पढ़ाऊंगा जिसमें आपको बस वन टाइम क्या करना होगा, रीड करना है, और तुम्हें लाइफ टाइम जिंदगी भर याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे आप। ओके आप एक दो एग्जाम्पल देखते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? सो जैसे कि यहाँ पे बात करें, एक वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट वर्ड आपका ट्रैवल। क्रेवन का मतलब आपको शायद ना आ रहा हो अभी, ठीक है? कि क्या मीन होगा इस क्रेवन का, क्रेवन का क्या मतलब होना चाहिए, ठीक है? वैसे मैं क्रेवन का मीनिंग बता रहा हूँ। क्रेवन का मतलब होता है एक विकेट पर्सन, विकेट लाइक अ दुष्ट आदमी, एक विकेट, एक क्रीप बंदा, पापी आदमी कह सकते हैं हम उसको। तो जो पापी है या दुष्ट है उन्हें हम लोग बोलते हैं क्रेवन बोलते हैं। अब ट्रिक से कैसे याद करोगे इस क्रेवन वर्ड को, जिससे कि लाइफ टाइम याद रहेगा आपको, ठीक है? अच्छा अगर आप सी हटाते, मैं इस वर्ड क्रेवन की बात कर रहा हूं, ठीक है? अगर आप यहां से सी हटाते हैं तो अगर आप देखो तो साफ से यहाँ पे रावण लिखा कि नहीं बताओ, देखो लिखो ना रावण, देखो रावण देखो साफ से लिखा हुआ क्रेवन है ना, सी हटाइए देखो लिखो ना रावण। और डियर हमें अच्छे से पता है कि रावण, रावण इज अ पापी इन द विकेट इन द क्रीप पर्सन, है ना? तो आई थिंक कभी भी क्रेवन भूलने का मीन्स नहीं आ रहा है यहाँ पर, मतलब चांस नहीं आ रहा है ना, क्रेवन क्रेवन रावण 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 पापी आदमी दुष्ट आदमी, ठीक है? तो इस तरह से मैं आपको बहुत से वर्ड्स मैंने बना रखे हैं, है ना, जो आपको इजिली से याद हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास जब भी होगी कल। तो डियर डोंट मिस दैट क्लास, क्लास को मिस मत करना। मैं आपको काफी सारे वोकैब्स और रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तो मैं जल्दी सिखा दूंगा, ठीक है? और वन थिंग मोर कि आप भी प्रैक्टिस जमकर करिए आप, ठीक है? बिकॉज दैट इज अ क्लैप, है ना, क्लैप जो ताली जिसे बोलते हो, ताली दो हाथ से बजती रही है, ठीक है? तो अगर मैं एफर्ट करूंगा तो डियर आपको करना, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि एग्जाम डेट तुम्हारी पास आ गई है तो फोकस थोड़ा सा स्टडी में कर लीजिए आप, है ना, जमकर, जिससे कि अच्छा सा प्लेसमेंट आपका हो जाए, ठीक है? तो राणा जी बताइए आगे मैं क्या करूं। ओके सर, थैंक यू, आप मुझे होस्ट ना दीजिए। श्योर सर। ओके गाइस, सो आज का टॉपिक सर ने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, क्लोज टेस्ट। ओके एंड डेफिनेटली यहाँ से गाइज इधर 5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट आएगा या 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट आएगा। और मैं ऐसे बच्चों को बताता रहता हूँ कि क्लोज टेस्ट हो गया प्लस आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले, ये जो आपके पार्ट होते हैं इंग्लिश में, ये स्कोरिंग वाले होते हैं। ओके अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया इसमें से, और जैसे सर ने आपको बताया कि अगर आप थीम पैसेज की थीम की अगर आपने वो यू नो क्रैक कर ली पैसेज पढ़ के, तो आप इसमें 5 out of 5 और 10 out of 10 भी इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। ओके सो ये तो हमारा आज का टॉपिक हो गया है। अब कुछ बच्चों ने कहा था कि इनको होमवर्क चाहिए, सो लेट मी शो देम होमवर्क गाइस। थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका होमवर्क क्या है। ओके सो एज यू नो कि जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन द कोर्स, लेट मी शो यू। या ये आपका कोर्स है, आप कंटेंट में जाइएगा। ओके यहाँ पे आप जाएंगे इंग्लिश। ओके इंग्लिश में आप जाएंगे मॉक टेस्ट। ओके मॉक टेस्ट में आप जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में आपको दिखेगा
थर्ड लास्ट, ये क्लोज टेस्ट ओके। इसको ओपन करेंगे तो गाइज यहाँ पे तीन मॉक टेस्ट आपको दिख रहे होंगे है ना। अब मैं आपको एक का रिव्यू दिखाता हूँ, जैसे मैं इसका रिव्यू दिखाता हूँ आपको एक कैसे इन मॉक टेस्ट में क्या है, ये देखिए ओके। तो ये क्लोज टेस्ट ही है ना, और ऐसे पैसेज आपके सामने रहेगा, वहां पे नंबरिंग की हुई है 1, 2, 3, 4 करके 10 तक नंबरिंग की हुई है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दी है ना कि कौन सा आंसर सही रहेगा। आप इनको लगाइए, जैसे आपको सर ने अभी बताया, पैसेज को पढ़िए, उसकी थीम ढूंढिए, और उसके बाद इसको आप अटेम्प्ट करिए ओके। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, आई थिंक इसमें 2 पैसेज होंगे, फिर आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके कितने मार्क्स आते हैं वो आपको यहाँ पे गाइज दिख जाएंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे गाइज 3 मॉक टेस्ट हैं यहाँ पे, और एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस हैं ऑन एन एवरेज, सो 60 मतलब यू कैन से इसमें 5 क्लोज टेस्ट आपके इन 3 मॉक टेस्ट में कवर किए गए हैं, 5 और 6 क्लोज टेस्ट ओके। तो आप इन 5-6 क्लोज टेस्ट को लगाइएगा तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये थी आपकी आज की क्लास, थैंक यू वेरी मच। एंड जो आपको होमवर्क दिया है उसको करिएगा ओके। जो तो कल मिलते हैं, जो सर ने आपको बताया कल करेंगे रीअरेंजमेंट ओके, और जो वकैब सर ने आपको बताया वो कल करेंगे ओके। देन बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं कल ओके सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। Okay, bye-bye. Take care, everybody.